बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गैलेक्सी व्लॉग। आज आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट कलेजी तैयार। उससे पहले तमाम वाइटी फैमिली को मेरी तरफ से ईद मुबारक। चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाइए और मज़ेदार रेसिपी है, छोड़िएगा रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप ऑयल का लिया है, मेरी कलेजी ज़्यादा है तो मैंने ऑयल इसीलिए ज़्यादा लिया है। आधा कप ऑयल लेने के बाद आपने इसमें ये कलेजी जो है थोड़े बड़े साइज़ में कटी हुई थी लेकिन मैंने इसको छोटे क्यूब्स पर कट कर लिया है। तो कलेजी लेने के बाद आपने क्या करना है, इसमें मसाले ऐड करने हैं ऑयल के अंदर। और आपने सबसे पहले हल्दी ऐड करनी है आधा चम्मच, एक चम्मच कुटी लाल मिर्च, एक चम्मच जो है आपने ऐड करनी है रेड मिर्चें, और आपने आधा चम्मच ऐड करना है गरम मसाला। और इन सबको मिक्सअप कर लेना है अच्छे तरीके से, बहुत एहतियात से करना है। आपने स्टार्टिंग में ही सोल्ट ऐड नहीं करना, अभी भी इसमें एक दो मसाले और डालेंगे वो मैंने अभी नहीं डाले हैं, तो जैसे जैसे मैं डालती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये जो है 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत अच्छी बनती है। कलेजी की सॉफ्ट पन की 2 स्टेज होती हैं, एक स्टेज होती है कि अंडर 5 मिनट्स आप उसको पका लें। एक नंबर एक तो ये है झटपट जो है, और नंबर दो है अगर आप इसको बिल्कुल मैं पूरे मसाले टमाटर मटर ग्रेवी श्रेवी डाल के अगर आप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि कलेजी जो है एक पौने घंटे में जाकर सॉफ्ट होती है। ठीक है, एक बार वो हार्ड हो गई तो फिर उसको सॉफ्ट होने में आपको तकरीबन पौना घंटा लग जाता है, आधा पौना घंटा लाजमी लगता है। तो आपने मेरा ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं 2 शिफ्ट्स में ही बना रही हूँ क्योंकि बेशक तवा बड़ा है लेकिन गैस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो झटपट 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 बनाएंगे, झटपट 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 काम करने पड़ेंगे। इसकी आग मैंने ना मसाले डालते वक्त थोड़ी हल्की की थी, अब मैं आग को तेज कर दूंगी। वैसे मेरी आग कम ही आती है लेकिन मैं इसको तेज करती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ। ओ, आज ईद वाला दिन है, बिया कह रही तेज ही आ रही है, वो सुबह सुबह का टाइम था ना। नहीं तुमने तेज ही नहीं की, कर दो फुल। की है फुल मैंने, ये फुल लगे लग रहे। सराटे पराटे। अच्छा जी, ये हम इसको मिक्सअप 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 करेंगे और फिर इसको पकावा पकाई लगा यार। पता क्या, जब हम कुकिंग करते हैं ना थोड़ा फ्रेंडली माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि बंदा अगर कुकिंग की रेसिपी भी देख रहा है तो उसको देखते हुए मजा तो आना चाहिए ना, कि यार हाँ हमने फलाने की रेसिपी देखी थी, रेसिपी भी थी और फन भी था, रेसिपी भी याद रहती है और बातें भी। नबिया को बातें याद आ रही हैं, बिया ने गर्मी को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया कि बिया पहले कुकिंग करेगी, ओदे तो बाद नबिया आज तैयार होगी, नहीं तो नबिया हमेशा तैयार हो किचन में एंट्री मारती है। अच्छा लाइफ लाइफ का प्लान किया, थोड़ा सा कैंसिल, आपको आवाज आ ही रही होगी, गोश्त कट रहा है और ये हमारे घर बैक साइड पे किचन है तो यहाँ पे पीछे आदमियों का आना जाना लगा हुआ है, तो इसलिए वो लाइफ वाला काम ना हो नहीं सकता था, कभी जो है पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो फिर इसलिए मैंने ये रात तक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रेसिपी डालूंगी, क्योंकि मोस्टली लोगों की सेकेंड डे कुर्बानी होती है, फर्स्ट डे काम ही लोगों की होती है, और तो क्यों फर्स्ट डे करते हैं, वो फर्स्ट डे ही करते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों की सेकेंड डे ही होती है, इसलिए कल तक ये रात तक वीडियो डाल दूंगी आप लोगों के लिए ताकि आपकी सुबह कुर्बानी हो। जैसे कलेजी आए आप तो बिंदा और नबिया वाला काम करें, झटपट कलेजी पका के भेज दें, घर वाले हैरान हो जाए। वही रेसिपी है जो मेरी चचियाँ और मम्मा बनाती हैं, मतलब मेरी दादियों में शायद यही इस तरह कलेजी पकाते हैं। वो कलेजी आई जाती हैं, मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली तो फटाफट कलेजी पकती जाती है, पकती जाती हैं, पकती जाती हैं और सबको दी जाती है। अभी भी ये मैं बना के भेजूँगी 2-3 प्लेटर्स बाहर, तो साइयों वगैरह को, साइयों ने भी नाश्ता किया है और नान चेरों का नाश्ता, तो अभी कलेजी जब पकेगी तो फिर कलेजियों का नाश्ता कराएंगे उनको।
तरफ से जो है ना हुई ज़्यादा की कुछ। अच्छा इसमें मैंने अजवाइन डाली थी एक चम्मच भर के, ठीक है। अजवाइन इसलिए डाली थी ताकि ना इसमें ना जो है तो ये जो है हाजमेदार हो जाए, तो जब ये अच्छा मैंने आपको बताया कि इसकी दो कंडीशन होती है सॉफ्ट होने की, देख लो अब ये सॉफ्ट है, अब ये हार्ड होना शुरू हो चुकी है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें फटाफट डालेंगे नमक और इस फटाफट नमक डाल के मिक्सअप करेंगे अच्छी तरह और फटाफट से डिश आउट करेंगे। अच्छा ये अब मैंने सोल्ट ऐड किया है, सोल्ट आपका एज टेस्ट जाएगा और देख लेना कितना डालना है। मुझे तो खाना पकाते हुए देखने की बहुत बीमारी है बहुत ज़्यादा, तो जब मैं पकाती हूँ सुना तो चक चक के ही मुझे लगता है मैं पूरा खाती हूँ। आपको ये हो गई है हमारी तैयार कलेजी, रेडी टू गो है ये, ठीक है। सर्व करके तो इसकी फाइनल लुक ये आ गई है, इसकी बड़ी मजेदार सी फाइनल लुक। और इसकी मैं अभी एक